मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग किड्स। हाउ आर यू ऑल? दे ऑल आर फिट, फाइन एंड चीयरफुल। परफेक्ट। सो किड्स, हियर इज योर लवीना मैम एंड हियर इज योर रश्नीत मैम। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट योर डे विद अस? यस मैम। परफेक्ट। सो किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अप, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्टार्ट नमोकार मंत्र। नमो अरिहंतानम, नमो सेधानम, नमो अरियानम, नमो उवचायानम, नमो लोई सव्य साहुनम, एसो पंच नमोकारो सव्य पापनाशनो मंगलानम च सव्ये सिंह परमम हवै मंगलम। कंटिन्यू विद गुरु मंत्र। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कंटिन्यू विद गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Open your eyes, hands down. So kids, are you all ready? Yes ma'am. Perfect. So kids, first of all tell us, what is the date today? Today is 5th March 2021. Today is 5th March 2021. And what is the day today? Today is Friday. Today is Friday. So kids, you know today we are going to learn about a very interesting topic, that is plants. Yes. So kids, आपको पता है plants क्या होते हैं? Plants क्या होते हैं? पौधे। Okay kids. Plants क्या होते हैं? पौधे। Yes. And kids, you know और क्या होते हैं plants? Plants are of different size, different shape, different color. Yes. Okay kids, आपको पता है plants different different size के होते हैं, कुछ plants छोटे होते हैं, कुछ plants बड़े होते हैं, different different colors के होते हैं, उनके shape भी आपने देखे ना कितने अलग अलग होते हैं। Yes. सारे plants एक जैसे तो नहीं होते ना। And kids, you know plants are very important, that cause they give us lots and lots of oxygen and they absorb carbon dioxide. Yes kids, you know na, we need oxygen for breathing. Yes. हमें breathe करने के लिए, सांस लेने के लिए किसकी नीड होती है? Oxygen की। And वो oxygen हमें कहाँ से मिलता है? Plants से। Okay kids, so plants are very important for our survival. अगर हम सारे plants cut कर देंगे, उन्हें तोड़ देंगे, तो क्या होगा? हमें oxygen नहीं मिलेगा ना। Yes. और फिर हम ब्रीथ भी नहीं कर पाएंगे। कि किड्स, दे आर सेंटर टू लाइफ ऑन अर्थ। यस। एंड किड्स, हमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करने चाहिए ताकि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। एंड किड्स, यू नो प्लांट्स और क्या देते हैं हमें? ऑक्सीजन देते हैं एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एयर पोल्यूशन। यस किड्स, आपने देखा है ना इतने सारे व्हीकल्स रोड पे चल रहे होते हैं, उनमें से कितना सारा स्मोक एमिट होता है ना, इतना सारा धुआं बाहर आता है, तो फिर क्या होता है? वो स्मोक हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता ना। तो प्लांट्स क्या करते हैं, हम जितने ज्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं उतनी हमारी एयर फ्रेश होती है और फिर हमें ऑक्सीजन मिलता है। एंड किड्स, प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड हमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम अच्छे से ब्रीथ कर पाए। ओके किड्स, तो मामा बोलती है ना आपको शाम को इवनिंग में आपको पार्क में जाना चाहिए खेलने के लिए, थोड़ी देर आपको घर के बाहर जाना चाहिए खेलने के लिए, से क्या होगा? आपको बहुत सारी फ्रेश एयर मिलेगी और आपको फ्रेश फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। एंड किड्स, जब भी आप गार्डन में जाते हैं ना प्ले करने के लिए, आप देखते हैं ना कितने छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं वहाँ पे। आप जब नानी हाउस जाते हैं आप तब भी देखते हैं ना अपनी रेल जर्नी में कि रास्ते में कितने सारे प्लांट्स आते हैं, छोटे भी होते हैं साइज में, बड़े भी होते हैं, बिग भी होते हैं ना। यस। एंड किड्स, यू नो प्लांट्स हमें बहुत सारी चीजें देते हैं।
है ना किड्स? यस किड्स, आपको पता है ना प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, जो भी फल सब्जियां हम खाते हैं ना वो भी हमें कौन देते हैं? प्लांट्स देते हैं. इसलिए किड्स वी शुड प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड वी शुड नॉट कट प्लांट्स के. एंड हमें प्रॉमिस करना चाहिए कि हम डेली अपने बर्थडे पे एवरी ईयर हम एक प्लांट करेंगे. ओके किड्स, हम एक प्लांट ग्रो करेंगे. ऑलराइट, हमें प्लांट्स की टेक केयर करनी चाहिए. So kids, जैसे हमारी बॉडी पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ना फूड शेल्टर, सो हमारे प्लांट्स के लिए भी क्या इम्पोर्टेंट है? वाटर एंड सनलाइट. सो इसलिए हमें भी प्लांट्स को प्रॉपर वाटरिंग करनी चाहिए, उन्हें भी प्रॉपर सनलाइट देनी चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए एंड हमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन दे पाए. ओके किड्स, सो हमें भी प्लांट्स को बहुत प्रोटेक्ट करना चाहिए. राइट किड्स, सो प्लांट्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, आपको पता है प्लांट्स हमारे बहुत सारे काम में आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट का क्या यूज होता है? प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. यस किड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम कैसे ब्रीथ करेंगे? सो इसलिए हमें डेली प्लांट्स की टेक केयर करनी चाहिए और हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए ताकि वो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन दे पाए. ओके किड्स, एंड देन प्लांट्स गिव्स अस फूड टू ईट. प्लांट्स क्या देते हैं हमें? फूड लाइक ऑयल, मस्टर्ड सीड्स, ईटेबल्स, ये सब कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट्स से. किड्स, हम जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से. यस, इसकी हमें प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए ना. यस किड्स. एंड किड्स, आपको पता है जब आपको कोई पंच करता है, आपको कोई मारता, आपको हर्ट होता है ना, सो इसलिए प्लांट्स की जब हम लीफ तोड़ते हैं, लीफ प्लग करते हैं, प्लांट्स को प्लग करते हैं, उनके फ्लावर्स को प्लग करते हैं, तो उन्हें भी हर्ट होता है ना, इसलिए हमें प्लांट्स को तोड़ना नहीं चाहिए. ओके, इंस्टेड हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए. Okay, kids. And some plants like neem, tulsi, I used to make medicines. So kids, जब भी हमें लग जाती है, हम injured हो जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, तो हमें कहाँ से medicines मिलती है? प्लांट से. yes. So neem होती है, तुलसी होती है ना, ये बहुत इनसे essential होती है हमारी medicines के लिए. Okay, kids. आपको पता है हमारी बहुत सारी medicines जो होती है ना वो कहाँ से बनती है? प्लांट से बनती है. प्लांट्स में बहुत सारे benefits होते हैं, वो हमें बहुत सारे फायदे देते हैं. इसलिए अगर हम उन्हें तोड़ देंगे या फिर अगर हम और प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो मैम हमें खाने को भी नहीं मिलेगा. yes. ना? और हमें जो इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे ना किड्स. एंड मैम, हमें मेडिसिन भी तो नहीं मिलेंगे अगर हम प्लांट्स को प्लग करेंगे तो. yes. और फिर yes. हम बीमार हो जाएंगे तो हम ठीक कैसे होंगे? हमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करने चाहिए. Alright, kids. So plants gives us fruits, vegetables, flowers, and seeds. And kids, plants हमें क्या देता है? Fruits, vegetables, and seeds. So kids, जो हम घर में fruits खाते हैं, vegetables खाते हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? Plants से. Yes. अगर हम plants grow नहीं करेंगे, तो हमें fruits, vegetables कहाँ से मिलेंगे? हमें fruits, vegetables नहीं मिलेंगे. इसलिए हमें lots and lots of plants को grow करना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर ईटेबल थिंग्स मिले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीड्स. ओके किड्स, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स. यस. ओके किड्स, जब भी हम पार्टीज में जाते हैं, हम लगाते हैं ना परफ्यूम्स, डियोस. यस, टू लुक प्रिटी, टू लुक ब्यूटीफुल, है ना, ताकि हमें क्या हो, हमें अच्छी सी फ्रेग्रेंस मिल सके. सो इसलिए किड्स, हमें फ्रेग्रेंस कहाँ से मिलती है? प्लांट्स से. वो परफ्यूम हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से. अगर हम प्लांट्स को ग्रो नहीं करेंगे तो फ्लावर नहीं बनेगा, अगर फ्लावर नहीं होगा तो हमें परफ्यूम कहाँ से मिलेगा? ओके किड्स, सो वी हैव टू ग्रो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लांट्स. यस किड्स, आपको पता है ना, जब पार्टी में जाते तो हम परफ्यूम्स लगाते ताकि हम बहुत अच्छा स्मेल करें. yes. तो वो परफ्यूम्स कहाँ से बनते हैं? प्लांट्स के फ्लावर्स से बनते हैं. आपने देखा है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है. फ्लावर्स से क्या बनते हैं? परफ्यूम्स बनते हैं. ऑल राइट किड्स, एंड किड्स, प्लांट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एयर पॉल्यूशन. यस,
सुकेश, जब भी हम व्हीकल्स पे जाते हैं आप देखते हैं ना कितना सारा एयर पोल्यूशन हो रहा होता है रोड्स पे। सुकेश, अगर हम प्लांट्स को नहीं ग्रो करेंगे, हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे प्रोटेक्ट करेंगे एयर पोल्यूशन से? इसलिए हमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करने चाहिए ताकि प्लांट्स हमें एयर पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सके और हमें ऑक्सीजन दे सके। ऑलराइट, किड्स, प्लांट्स गिव्स अस सो मेनी थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, स्पाइसेस, पेपर, वुड, फाइबर्स, कॉटन एक्सेट्रा। यस, सो किड्स, आपको पता है जब आप वर्क करते हैं आप किससे वर्क करते हैं? पेंसिल से। एंड पेंसिल किससे बनी होती है? वुड से। यस, सो किड्स, वो वुड भी हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। स्पाइसेस जो हम मिर्ची खाते हैं घर में, इलायची, वो सब हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। यस, सो इसलिए हमें प्लांट्स की टेक केयर करनी चाहिए, उन्हें भी वॉटरिंग करनी चाहिए डेली, उन्हें सनलाइट देनी चाहिए ताकि वो हमारी भी हेल्प कर सके, हमें भी वो अच्छी अच्छी थिंग्स दे सके। ओके, सो वी गेट मेनी स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स लाइक कार्डमम, ब्लैक पेपर, रेड पेपर, क्लोव्स एक्सेट्रा। यस, ओके, हमें प्लांट से कितनी सारी चीजें मिलती हैं, इलायची, जीरा, काली मिर्च, ये सब कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट से। यस, ये सब हम यूज करते हैं ना अपने फूड बनाने के लिए, टेस्टी टेस्टी फूड बनाने के लिए हम ये सब यूज करते हैं ना, तो किड्स अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम ये सब कैसे यूज कर पाएंगे? इसलिए हमें प्लांट्स को टेक केयर करनी चाहिए और प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। ओके किड्स, एंड वी गेट शुगर, कोकोआ, टी, कॉफी फ्रॉम प्लांट्स। सो किड्स, हम घर में जो भी टी, कॉफी ये सब ड्रिंक करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से। यस, सो किड्स, हमें प्लांट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर टी, शुगर, कोको, कॉटन ये सब प्लांट्स से मिल सके। ओके, बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर आपको पता है बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं। यस, सो किड्स, आपको पता है जैसे अब हम अपने घर में रहते हैं ना, सो एनिमल्स और इंसेक्ट्स कहाँ रहते हैं? प्लांट्स एंड ट्रीज पर। लाइक स्मॉल बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, हनी बीज, ये सब कहाँ रहते हैं? हमारे किड्स ने तो देखा है, मंकीज कहाँ रहते हैं? यस, मंकीज लिव ऑन ट्रीज। यस, आपने देखा है ना कि जैसे हमारा होम होता है ऐसे प्लांट्स बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के भी होम होते हैं। एंड यू नो किड्स, हमारा घर में, हमारे घर में वुडन काम आती है ना, हमारे घर का फर्नीचर बनता है, चेयर, टेबल, ये सब भी कहाँ से बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स ही तो हमें देते हैं वुडन ये सब। यस किड्स, एंड किड्स, जब भी हम पार्क में खेलने जाते हैं और हम थक जाते हैं, हमें धूप लग रही होती है, हमें छांव चाहिए होती है, तो हम कहाँ बैठते हैं? ट्रीज के नीचे बैठते हैं ना, बेंचेस पे। सो किड्स, इसलिए हमें ट्रीज की, प्लांट्स की बहुत टेक केयर करनी चाहिए, बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो करने चाहिए ताकि वो हमें, हमारा भी ध्यान रख सके, हमें प्रोटेक्ट कर सके एंड हमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन दे सके। ओके किड्स, सो ट्रीज हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, आपने देखा है ना वो हमें कितनी सारी यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड करते हैं हमारी डेली लाइफ की, हमें फ्रूट्स देते हैं, हमें वेजिटेबल्स देते हैं, व्हीट, राइस, पल्सेस, स्पाइसेस एंड सो मेनी थिंग्स दे प्रोवाइड अस, राइट किड्स? सो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, इसलिए हमें अपने बेस्ट फ्रेंड्स की टेक केयर करनी चाहिए। ओके, एंड उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। यस मैम, आर किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी गुड, ये हर्ट नहीं करेंगे प्लांट्स एंड ट्रीज को, या और ये प्लांट्स एंड ट्रीज को ग्रो करेंगे, उनकी टेक केयर करेंगे बाय वॉटरिंग देम एंड गिविंग देम सनलाइट। ओके किड्स, ओके नाउ, सो किड्स, व्हाट वर दीज? दीज वर द यूजेस ऑफ प्लांट्स। एंड प्लांट्स हमें कितनी सारी चीजें देते हैं, मस्टर्ड सीड्स, कॉटन, वॉइल, these are the things we get from plants. Yes, and kids, you know, plants हमें क्या देते हैं? Oxygen, और खुद क्या observe करते हैं? Carbon
डाइऑक्साइड. ओके किड्स, प्लांट्स को जैसे हमें सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, ऐसे प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. ओके सो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम प्लांट्स को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके किड्स, और अगर हम प्लांट्स को तोड़ देंगे, उन्हें हर्ट कर देंगे या फिर हम उन्हें प्रॉपरली ग्रो नहीं होने देंगे तो वो हमें ऑक्सीजन देंगे क्या मैम? नो मैम, हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए किड्स हमें प्लांट्स की बहुत टेक केयर करनी चाहिए. ओके सो नाउ किड्स वी आर गोइंग टू डू अ राइम. यस, आर यू ऑल रेडी किड्स? यस. ओके सो यू हैव टू स्पीक विद अस एंड यू हैव टू डू एक्शंस एज वेल. ओके किड्स नाउ स्टार्ट. लेट अस प्लांट अ सीड बेबी यू एंड मी. Let us all watch it grow till it becomes a tree. Rain, soil, sun, love and care it needs. If you give it all of this, you will surely succeed. See the seeds begin to grow as they touch the sky. Flowers, fruits, vegetables, smile and say a hi. Yay! One more time? Yes! Okay! Let us plant a seed, baby you and me. Let us all watch it grow till it becomes a tree. Rain, soil, sun, love and care it needs. If you give it all of this, you will surely succeed. See the seeds begin to grow as they touch the sky. Fruits, flowers, vegetables, smile and say a hi. Yay! Okay, kids. So, kids, we did a rhyme on plants. And kids, हमने इस rhyme में देखा ना, plants को भी क्या चाहिए होती है? बहुत सारी love और care चाहिए होती है. Yes, बहुत सारी rain, sunlight चाहिए होती है, soil चाहिए होती है. Yes, kids. फिर वो क्या होते हैं? वो एक छोटे से seed से एक big tree में convert हो जाते हैं. Okay, kids. Yes. और फिर वो हमें क्या देते हैं? Fruits देते हैं, plants देते हैं, vegetables. तो प्लांट्स भी हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे ना. और अगर प्लांट्स हैप्पी हो जाएंगे तो हमें कितनी सारी चीजें देंगे, वुड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लवली लवली फ्लावर्स. ओके किड्स, हमें प्लांट्स की बहुत सारी टेक केयर करनी चाहिए. Yes, हमें प्लांट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए. ओके किड्स, हमें प्लांट्स को प्लक नहीं करना चाहिए. इंस्टेड हमें प्लांट्स को मोर एंड मोर ग्रो करना चाहिए ताकि हमारी सराउंडिंग्स अच्छी हो, हमारा एनवायरमेंट अच्छा हो और ऑल अराउंड हमारी क्या हो, ग्रीनरी. यस. ओके किड्स, आर यू ऑल रेडी? नाउ वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी ऑन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स. सो किड्स, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, ऐसे प्लांट्स की भी पार्ट्स होते हैं. सो अब हम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पे एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी करेंगे. ओके प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? रूट्स, रूट्स, स्टेम, स्टेम, लीव्स, लीव्स, फ्लावर, फ्लावर्स. दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट. ओके सो ये क्या होते हैं? प्लांट के पार्ट्स होते हैं. ओके सो नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी. So kids, are you all ready? Yes, kids. Okay. Are you all ready for the activity? You all have your material? Yes. Okay, now, so kids. Okay, now see, for this activity, what we need? We need one white color A4 size sheet. Yes, kids. And we need one yellow color rectangle. 4 to 5 leaves made up of green sheet. Yes, kids. And we need a jute rope, favicol, scissors, stapler, 2 ice cream sticks. All right, kids. So, shall we start? Okay, you all have the material. Okay, now show us on the screen. Yes, kids. Are you all ready with your material? Show us on the screen. Very
good. Very nice, kids. Wow. So, kids, are you all ready? Now we'll do an activity. Okay, let's start. Yes. So, kids, first of all, take your white sheet, put it down. Now, take your yellow color rectangle. Yes, kids, you all have this rectangle. Okay, now what we are going to do, hum is rectangle ko little bit, bilkul thoda sa front size mein fold karenge. See, like this. Ma'am, isse fold kari na, bilkul thoda sa, isse little bit, hum isse front side mein fold karenge. Yes, kids, see. Okay, now, अब हम इसी सेम इक्वल साइज में इसे बैक साइड पे फोल्ड करेंगे. ओके, सो टर्न योर शीट, नाउ फोल्ड इट. यस किड्स, हमें बिल्कुल साइज अपना सेम रखना है. ओके, हमें इसे छोटे बड़े साइज में फोल्ड नहीं करना है, हमें इक्वल साइज में फोल्ड करना है इसे. डन किड्स, अब हम जैसे फैन बनाते हैं ना, हम फ्रंट एंड बैक में फोल्ड करते हैं इक्वल साइज में. ओके, अब हम अगेन वही करेंगे. Again, turn your sheet, fold it. Again, turn your sheet, fold it in equal size. See now, kids, how ma'am is doing. See, ma'am is fold kar rahe na. Okay, kids, you have to do the same. Okay, now again, fold it in equal size. स्लोली स्लोली सब बहुत अच्छे से करेंगे मैम के साथ. टर्न इट एंड अगेन फोल्ड इट इन इक्वल साइज. अगेन टर्न इट एंड फोल्ड इट इन इक्वल साइज. ऑल राइट किड्स, हम बिल्कुल अच्छे से स्लोली स्लोली करेंगे. ओके, एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हम इक्वल साइज में फोल्ड करें. ओके, हमें बड़ा और छोटा ऐसे फोल्ड नहीं करना है, हमें बहुत ध्यान से अच्छे से फोल्ड करना है. ऑलराइट किड्स, हमें पूरे येलो रेक्टेंगल को फोल्ड करना है अच्छे से. आर यू ऑल डूइंग किड्स? यस, मैम के साथ कर रहे हैं ना अच्छे से. वेरी नाइस किड्स, डन. सी किड्स, फोल्ड कर लिया ना सबने अपनी येलो रेक्टेंगल को. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ विद द हेल्प ऑफ सिजर, अब हम इस. ओके किड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टेपल इट. ओके, सो टेक योर स्टेपलर इन योर हैंड. टेक स्टेपलर इन योर हैंड. ओके, नाउ अब हम इसके मिडिल में स्टैपल करेंगे. और ये सबकी ममा करेंगी. आप लिटिल लिटिल किड्स है ना, तो आपको अपने आप नहीं करना. अब हम इसके मिडिल में स्टैपल करेंगे. ऑलराइट किड्स, सी लाइक दिस. इसके सेंटर में हमने स्टैपल किया ना किड्स, सब मैम के साथ कर रहे हैं ना अच्छे से. Now the next step is, अब जो हम इसके दो corners है ना top and bottom, कि हम इसके दो corners को oval shape में with the help of scissors cut करेंगे. और ये भी सबकी मामा करेंगी. So kids, जैसे ही हमारी ice cream stick का shape है ना top में oval shape, see kids, ये जो oval shape है ना हमारी ice cream stick का top में, हमें इसी शेप में अपने रेक्टेंगल को कट करना है. कि इसके दोनों कॉर्नर्स को कट करना है विद द हेल्प ऑफ सिजर्स. और ये सबकी ममा करेंगी. ओके किड्स, यस, इज एवरीबॉडी डूइंग? सी किड्स, हमने दोनों साइड से इसे ओवल शेप में कट कर लिया ना. लुक, यस किड्स, सबने किया मैम के साथ. वेरी गुड, वेरी नाइस किड्स. अब हम इसके स्टार्टिंग के जो दो टॉप कॉर्नर्स है ना, हम इन कॉर्नर्स को ओपन करेंगे. ओके, सी, जो हमारे टू कॉर्नर्स है ना, अब हम इन दो कॉर्नर्स को जॉइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल.
ओके हम ये स्टार्टिंग के दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल. सो पुट सम फेविकॉल ऑन बोथ द साइड्स. ओके नाउ पेस्ट इट. यस पेस्ट इट. प्रेस इट अ लिटिल बिट. अच्छे से पेस्ट करेंगे किड्स हम, सो दैट हमारे दोनों स्टार्टिंग के कॉर्नर्स पेस्ट हो जाएं. ओके किड्स यस इज एवरीबॉडी डूइंग. सब कर रहे हैं ना मैम के साथ. ओके अब हम इसके जो नीचे बॉटम पार्ट के जो दो कॉर्नर्स है ना साइड के, ओके अब हम इनको भी पेस्ट करेंगे. जैसे हमने टॉप पार्ट के किए ना, अब हम इन्हें भी पेस्ट करेंगे. सो पुट सम फेविकॉल ऑन बोथ द साइड. यस नाउ पेस्ट इट. जॉइन इट एंड पेस्ट इट. Yes, kids, is everybody doing? See, kids, our flower is ready. So, आप सबने भी मैम के साथ फ्लावर बना लिया ना? Okay. Now, the next step is take your white sheet. So, kids, now take the jute rope. कि अब हम वन फिंगर गैप में से कट करेंगे. ओके सो हमारा जो वन फिंगर का गैप है ना, हम वन फिंगर के गैप में से कट करेंगे. ओके किड्स और हमें कितने ऐसे पीसेस कट करने हैं? वी हैव टू कट 5 पीसेस. ओके सो वी हैव टू कट 5 पीसेस लाइक दिस. सो हमें वन फिंगर गैप के 5 पीसेस कट करने हैं. ओके किड्स और ये भी सबकी मामा करेंगी बिकॉज आप लिटिल लिटिल किड्स है ना. किड्स हम वन फिंगर साइज के ऐसे 5 पीस कट करेंगे. ऑल राइट और आप लिटिल लिटिल किड्स है ना, तो ये सबकी मामा करेंगी. ओके किड्स डन. ऑल राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम प्लांट की रूट्स बनाएंगे. ओके किड्स तो सबसे पहले क्या होता है, हम सॉइल में जब सीड डालते हैं ना, मिट्टी में सीड डालते हैं, तो सबसे पहले प्लांट्स की रूट बनती है. ओके सो अब हम प्लांट्स की रूट बनाएंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू, हम अपनी शीट के बॉटम पार्ट पे रूट्स को पेस्ट करेंगे. कैसे करेंगे? पुट सम फेविकॉल. नाउ पेस्ट इट वन बाय वन. Again, put some favicol and paste it one by one. क्या कर रहे हैं हम? अपने प्लांट की रूट्स बना रहे हैं. ओके किड्स रूट्स कहाँ होती है? सबसे नीचे होती है ना, इसलिए हमें अपनी शीट के बॉटम पार्ट पे पेस्ट करना है. ऑल राइट किड्स इज एवरीबॉडी डूइंग? कैन पुट सम favicol एंड पेस्ट इट. Yes, very nice. Is everybody doing? Again, put some favicol. Paste it one by one. So done, kids. हमने अपने प्लांट की रूट्स बना ली ना. अब रूट्स बनाने के बाद क्या होता है? पहले हम जब सीड डालते हैं सॉइल में, तो प्लांट्स की रूट बनती हैं. रूट्स कहाँ ग्रो होती हैं? अंडर द ग्राउंड. उसके बाद ग्राउंड के ऊपर क्या ग्रो होना स्टार्ट होता है? प्लांट का स्टेम. ऑल राइट सो हम प्लांट का स्टेम बनाएंगे. सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक, सो टेक वन आइसक्रीम स्टिक. और अब हम इस आइसक्रीम स्टिक को कहाँ पेस्ट करेंगे? रूट्स के ऊपर. ओके बिल्कुल हमें इसे रूट्स के ऊपर पेस्ट करना है. सो पुट सम फेविकॉल ऑन द बैक साइड ऑफ द आइसक्रीम स्टिक. यस नाउ पेस्ट इट ऑन द टॉप ऑफ रूट्स. सी हमने कहा पेस्ट किया अपनी आइसक्रीम स्टिक को रूट्स के ऊपर.
ऑल राइट, सो रूट्स के ऊपर अब क्या बन गई, हमारे प्लांट की स्टेम बन गई. ओके, सो अब हम इसकी साइड स्टेम्स बनाएंगे. ओके, जो साइड में छोटी छोटी स्टेम्स होती है ना, अब हम वो बनाएंगे. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक, टेक अनदर आइसक्रीम स्टिक, कट इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ सीजर. ओके, सो ये भी सबकी मामा कट करेंगी. ओके, सी हमें ऐसे इसको टू इक्वल पार्ट्स में कट करना है. ओके किड्स, नाउ टेक वन हाफ, हमने इसका हाफ पार्ट लिया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी आर गोइंग टू कट इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अब हम इसे भी सेंटर में से कट करेंगे. ऑलराइट, यस किड्स, हमने इसे टू पार्ट्स में कट कर दिया ना, वेरी नाइस. अब हम इसे अपनी स्टेम के दोनों साइड में पेस्ट करेंगे. सो पुट सम फेविकॉल. Now paste it on both the side of the stem like this. Yes kids, so हमने अपने plant की stem भी बना ली और side stem भी बना ली. Now the next step is to paste the leaves. जो अब हमारे पास 4 to 5 green leaves है ना, अब हमें इसे plant की side stems पे paste करना है. Okay? So put some favicol. Now paste it on the side of the ice cream stick. Okay kids, now again take another leaf, put some favicol. Now paste it on the side of the ice cream stick. Again take another leaf, put some favicol and paste it on the side of the ice cream stick. See, like this. Again put some favicol and paste it on the side of the आइसक्रीम स्टिक. सो अब हमारे प्लांट की क्या बन गई, लीव्स बन गई, रूट्स भी बन गई, स्टेम्स भी बन गई और लीव्स भी बन गई. अब लीव्स आने के बाद क्या होते हैं, प्लांट में फ्लावर ग्रो होते हैं. सो अब जो ये हमने ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाया है, तो हमारा लास्ट स्टेप है इसे पेस्ट करना. सो पुट सम फेविकॉल ऑन द टॉप ऑफ द आइसक्रीम स्टिक. ओके किड्स, अच्छे से हम आइसक्रीम स्टिक के टॉप पे पेस्ट करेंगे फेविकॉल. And now we are going to paste our flower. All right, kids, press it a little bit so that aapka flower acche se paste ho jaye. Wow, so our beautiful plant is now ready. Sabne maam ke saath banaya na kids. So humne plant ki roots bhi banayi, stems bhi banayi, leaves and flowers bhi banayi. So our beautiful plant is now ready. Okay, now show us your plant on the screen. Show us your activity on the screen. Wow, very good kids. Very nice. Very good kids. Wow. Very good. आपने तो बहुत beautiful बनाया मैम के साथ. Very nice. Very nice kids. So सबको मजा आया ना इस activity में? Yes. So kids, हमने इस activity में क्या किए? Parts of plant. So parts of plants क्या होते हैं kids? Roots, stem, leaves, flower. Okay kids, these are the parts of प्लांट. सो किड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सॉइल में सीड डालते हैं. तो क्या ग्रो होती है, रूट्स. एंड रूट्स क्या होती है किड्स, जड़े. क्या होती है, जड़े. सबसे पहले क्या ग्रो होती है, रूट्स. अगर किड्स रूट्स ग्रो नहीं होंगी, रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट भी ग्रो नहीं होगा ना. सो इसलिए रूट्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट. इनके रूट्स कहाँ ग्रो होती है, अंडर द ग्राउंड. सो ये हमें ग्राउंड पे कभी भी नहीं दिखती, ये मिट्टी के अंदर ग्रो होती है. yes. और इसके बाद क्या ग्रो होता है कि स्टेम. yes. इसके बाद प्लांट की स्टेम ग्रो होती है. और स्टेम कौन कहाँ पे ग्रो होती है, अबव द ग्राउंड. ओके, ग्राउंड के ऊपर ग्रो होती है. फिर इसके बाद धीरे धीरे इनकी साइड स्टेम्स ग्रो होती है. ओके, जो साइड में ना ये स्टेम्स ग्रो होती है. साइड स्टेम्स ग्रो होने के बाद क्या आते हैं, लीव्स, ग्रीन ग्रीन लीव्स. यस, और लीव्स के बाद क्या होता है, हमारे प्लांट में फ्लावर आता है. यस, ब्यूटीफुल सा फ्लावर आता है. Yes. Okay, धीरे धीरे जब हम इसे वॉटरिंग करते हैं, सनलाइट में रखते हैं, तो धीरे धीरे ये एक ब्यूटीफुल ट्री में कन्वर्ट हो जाता है. All right, kids. Yes.
Okay, kids. So we have done parts of plants. And now we'll do types of plants. Okay, yes. So आपको पता है plants different types के होते हैं. Yes. Herbs. Shrubs. Trees. Creepers. And climbers. These are the types of plants. Yes. And so, ma'am, herbs kya hote hai? Yes, herbs are the small size plants. Herbs kya hote hai? Small size plants. They have soft green stem and they give us nutritional benefits like vitamins and minerals. Okay, kids. So herbs kya hote hai? Chote size ke jo ped hote hai na, chote size ke jo paudhe hote hai, unhe hum kya bolte hai? Herbs, okay? ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनकी स्टेम को हम ऐसे हाथ लगाते हैं तोड़ देते हैं, टूट जाती हैं. बहुत सॉफ्ट होते हैं ना. सो मैम, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं हर्ब्स के? कैबेज एंड कोरिएंडर. दीज आर द मैम, इनके एग्जांपल्स होते हैं कैबेज एंड कोरिएंडर. यस, सी, दिस इज कोरिएंडर एंड दिस इज कैबेज. सी, हर्ब्स के क्या होती है? स्मॉल लीव्स होती है ना, और उनकी जो स्टेम होती है, उनकी जो पत्तियां होती है, बहुत सॉफ्ट होती है. सी के इनकी जो ये स्टेम होती है, ये बहुत सॉफ्ट होती है ना, इसे हाथ से भी तोड़ देते हैं. ओके किड्स, ओके, नाउ द नेक्स्ट काइंड इज श्रब्स. यस एंड किड्स, श्रब्स आर द मीडियम साइज प्लांट्स. दे आर टॉलर देन हर्ब्स एंड शॉर्टर देन ट्रीज. सी, एंड श्रब्स के कौन से एग्जांपल्स होते हैं? तुलसी एंड रोज. ओके, क्या होते हैं श्रब? हर्ब से तो बड़े होते हैं और ट्री से छोटे होते हैं. ओके किड्स, और इनकी स्टेम कैसी होती है? वुडी. सो हम इसे नहीं तोड़ पाते ना इजीली. यस. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज tree. And yes, you know, trees are the big and the tall plants. They have thick woody stem like neem and ashok. These are the example of trees. So kids, yes, trees kya hote hain? Bade bade plant jo hote hain, wo trees hote hain. Yes. Okay kids, now the next kind is climbers. And yes, kids, you know, climbers are long, thin and weak stem. Climbers ki kaisi hoti hai? Long, thin or weak stem hoti hai. They cannot stand upright. Unko kya hota hai? Support ki need hoti hai. See, money plant is an example of climbers. ये सीधे खड़े नहीं हो पाते ना, तो हम कोई सपोर्ट लगाते हैं ताकि ये सीधे खड़े हो पाए. Okay, kids. Yes, this is climber. Okay, now the last type is creeper. Creepers are the plant that creeps on the ground and they have long and thin stem that cannot support its own weight. Okay, kids, creepers kya hote hain? Unki stem bhi bahut patli aur lambi hoti hai aur unke fruits, unke vegetables itne heavy hote hain ki wo apna weight nahi support kar pate, isliye wo ground pe gir jate hain. Like watermelon and pumpkin. Watermelon kitna heavy hota hai na, kitna bada hota hai. So isliye uska plant jo hota hai wo khud se gir jata hai kyunki uska weight bahut zyada hota hai, wo apne weight ko support nahi kar sakta, isliye wo gir jata hai. Okay, kids, so what we have done today, we have done types of plants. Yes. All right, and we have done uses of plants. ओके किड्स, ओके, हमें भी प्लांट्स की बहुत टेक केयर करनी चाहिए क्योंकि प्लांट्स से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है. ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. यस, सो किड्स, आपने देखा ना प्लांट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं. और आज हमने देखा ना मैम, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? यस, रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स. एंड किड्स, प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के. हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज. यस, ओके किड्स, ओके, एंड वी डिड एन एक्टिविटी. सो किड्स, हमें प्लांट्स की टेक केयर करनी चाहिए. ओके, उन्हें भी अच्छे से वॉटरिंग करनी चाहिए, उन्हें भी अच्छी सी सनलाइट देनी चाहिए ताकि अगर वो हैप्पी हो जाएंगे तो हमें कितनी सारी चीजें देंगे ना. यस, ओके किड्स, ओके, ये हमारी कौन सी क्लासेस चल रही हैं? ये हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं. एंड आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस को स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आपको लिंक शेयर होता है, उसे ओपन करके देख सकते हैं, या फिर स्कूल यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं. सो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब
subscribe the school YouTube channel for regular updates. Yes. Till then, take care, stay safe, bye-bye.